नमस्कार, मैं हूं सुयश सेठिया और नागपुर वालों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ वालों के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूं। और आज मैं नागपुर की सड़कों पर निकल चुका हूं ये नागपुर वालों से पूछने के लिए कि जो स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघनख है उसको देखने के लिए वो कितने एक्साइटेड है। तो आइए जानते हैं कि वाघनख नागपुर आने की खुशी पे इस विषय पे क्या बोलता है नागपुर। और बहुत अच्छा लग रहा है और कम से कम 300-350 साल हो रहे हैं, इतने साल के बाद अगर वो देखने को मिलेगा तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और वो हमारे जो भगवान है शिवाजी महाराज उनका है और उन्होंने उनसे अफजल खान को मारा है, तो वो देखने के लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और फैमिली को लेके जाऊंगा मैं। मतलब सिंबल है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का अवजार बोल सकते हैं जिसको, जो उनको रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं मेरी फैमिली को भी लेके जाऊंगी देखने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। नागपुर वालों को क्या बोलना है? मेरी यही आशा है कि जो ये 3 साल के लिए आया है ये 3 साल का ना होके ये हमेशा के लिए हमारे भारत में आए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है और हमें ये सब देख के बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसके लिए वापस प्रयत्न किया जा रहा है भाजपा गवर्नमेंट की तरफ से। गर्व की बात है एक बहुत कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी और हम ये सब चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति इस वाघनख को विजिट करे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भी शस्त्र है वो सभी शस्त्र हम शिव प्रेमी चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र में वापस आ जाए और हर शिव प्रेमी की यही इच्छा है कि महाराज की जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारे महाराष्ट्र में ही कंजर्व करके रखे और हर शिव प्रेमी उस चीज़ को देख पाए। जितने लोग नागपुर में सक्रिय है तो मैं उनको चाहूँगा और गर्व से विनंती करूँगा कि एक बार वो म्यूजियम जाके वो शस्त्र का एक बार ये ले, दर्शन ले ले बस। सबसे पहले हमको इस विषय पर बोलने के लिए मैं आपको कुछ 2-3 मुद्दे बताऊँगा। भारतीय दर्शन शास्त्र का जिनको भी ज्ञान होगा वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो लोग भारतीय दर्शन शास्त्र को नहीं पढ़े हैं मैं उनको 2-3 लाइंस में कुछ बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति था, मैं जिसको पर्सनली ये बोलूँगा कि वो वाइट टेररिज्म का सबसे बड़ा प्रतीक था। 1657 में जेम्स ग्रैंड डक नाम के एक व्यक्ति ने भारत में आया, भारत में वो एज अ हिस्टोरियन आया जो कि ब्रिटिश आर्मी में उस समय में कार्यरत था। एज अ हिस्टोरियन आने के बाद उसने भारतीय शास्त्र की पूरी स्टडी किया और भारत के इतिहास को तोड़ने का, मरोड़ने का और गलत तरीके से प्रोपोगेट करने का काम किया। उसी व्यक्ति ने, वो उस टीम का सदस्य था जिसने भारत में वेस्टर्न एडुकेशन को फोर्सफुली अप्लाई किया। उस समय का हिस्टोरियन, सन 1657 की बात है ये, जिस समय अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध में अफजल खान ने महाराज को धोखा दिया पर वो विजय नहीं प्राप्त कर पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वाघनख से उसका नरसंहार किया। वो वाघनख को खुद शिवाजी महाराज द्वारा बनाया गया था। 1657 में अफजल खान आदिल खान के बोलने पर आया था, इन लोगों को हरा के महाराज ने स्वराज्य की स्थापना करी थी। अब जेम्स ग्रैंड डक नाम के व्यक्ति ने क्या किया, इतिहास को गलत तरीके से पेश किया ही किया, इसने उस वाघनख को ले जाके इंग्लैंड में लेकर चला गया। इंडियन पॉलिटिक्स और भारतीय दर्शन शास्त्र ये साथ साथ चलते हैं। इसमें अगर आप कुछ समय और थोड़ा पहले अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो भारत को अपनी चीज़ों का प्राउड महसूस ना हो, अपनी संस्कृति का, हमारे विचारों का, स्वामी विवेकानंद हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, स्वतंत्रता सेनानी हो गए 19वीं शताब्दी के जितने भी रहे, इन सब लोगों ने जो अपना बलिदान दिया है, इन लोगों के बारे में सही से जानकारी ना प्राप्त हो सके इसीलिए अलग अलग तरीके के षड्यंत्र रचे गए। उस षड्यंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा था जेम्स ग्रैंड डक। इस व्यक्ति के कारण हम लोगों को वाघनख जो है हमारे भारत से वहाँ गया। पर मैं वर्तमान की सरकार का और मुनगंटीवार जी का खास तौर पे आभारी हूँ कि उन्होंने 3 साल के लिए सही पर विक्टोरिया पैलेस जो भी है उनका म्यूज़ियम, विक्टोरिया म्यूज़ियम, वहाँ से भारत में इस वाघनख को लेकर आए। यहाँ पे भारत में 3 जगह उसकी प्रदर्शनी लगने वाली है जैसा कि मैंने सुना है, जिसमें से एक नागपुर भी है, एक मुंबई, एक सातारा है। नागपुर में हम लोग वाघनख को देख पाएंगे, हमारी संस्कृति को समझ पाएंगे। जब वाघनख नागपुर आया ये खबर हमने पेपर में और मीडिया में देखी, मैं महाराष्ट्र टाइम का
धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने ये विषय को जनता के बीच में लाया, युवाओं के बीच में लाया। मैंने इसके बारे में फिर पढ़ा, मुझे पहले नहीं पता था कि ये जेम्स ग्रैंड डक कौन है या फिर नेपोलियन हिल कौन है। नेपोलियन हिल वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने जेम्स ग्रैंड डक और इन लोगों के साथ मिलकर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम किया। ये उस जमाने के 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच के वो इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास को बदला, इतिहास को गलत तरीके से पेश किया। हम लोगों ने, भारतीय लोगों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवतुल्य, उनने अपने प्राणों की आहुति दी स्वराज्य के लिए। ऐसे लोगों को कम दिखा के कहीं ना कहीं किसी और का इतिहास ज़्यादा दिखा के हमारे मूल्यों का पतन करने की साजिश को इस वर्तमान सरकार ने पूरा वॉश कर दिया है। और हम क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है, इसको हम समझ सकें, ऐसी चीज़ों की महत्ता, ये वाघनख हो गया, महाराज की तलवार हो गई। मैं तो इस वर्तमान सरकार से आशा करता हूँ कि ये भविष्य में हमारे जितनी भी ऐसी धरोहर है, चाहे वो और भी कोई चीज़ें हों जो कि लंदन के म्यूज़ियम में उधर हों, उसे वापस लाने में अगर सफलता प्राप्त करती है तो बहुत अच्छा रहेगा। वाघनख लाने के लिए मैं मुनगंटीवार जी का और वर्तमान सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। हाँ, मैं सभी युवाओं से, शहर के सभी लोगों से एक विनंती करना चाहूँगा कि वाघनख जब नागपुर में आए, म्यूजियम में जब इसको रखा जाएगा, तो सभी लोग वाघनख के दर्शन करने अवश्य जाएं। यह तो बहुत गर्व की बात है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की वाघनख है वो इंडिया आ रहे हैं, और इंडिया जब आ रहे तो उसमें हमारे नागपुर में वो लोगों को दर्शन के लिए और देखने के लिए मिलेंगी। ये सिर्फ नागपुर के लोगों का ही प्राइड नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक घराना ये नागपुर का है, नागपुर का एक बहुत बड़ा इतिहास है। और यहाँ पे शिवाजी महाराज के वाघनख आना, दर्शन होना, ये सब नागपुरवासी, और सिर्फ नागपुरवासी ही नहीं कहते हम, कि पूरे विदर्भ के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि नागपुर ये विदर्भ में आता है और विदर्भ में एक ही ठिकान सिलेक्ट हुआ है नागपुर, तो हमारे विदर्भवासियों के लिए बहुत स्वाभिमान, गर्व की बात है। और ये हमारे लिए तो एक कहना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साक्षात दर्शन करने का एक प्रकार से योग हमारे भाग्य में, ऐसा कह सकते हम, क्योंकि वो वाघनख ने बहुत बड़ा इतिहास किया हुआ है। वाघनख का इम्पोर्टेंस जो है, वो वाघनख की शुरुआत ही छत्रपति शिवाजी महाराज के उस टाइम से हुई है, उसके पहले तो कोई इतिहास में वाघनख ये कोई यूज में नहीं आता था। ये वाघनख यानी शेर के जो नखून होते हैं उसके इसका बना हुआ होता है, यानी नखून का जो आकार होता है वो पैटर्न का बना हुआ वाघनख होता है। और उससे क्या उस वाघनख ने किया, ये तो इतिहास सब जानते हैं, बहुत बड़ा इतिहास है। इसलिए वाघनख का महत्व ये इतिहास में बहुत बड़ा है, और एक स्वराज्य की स्थापना में उसका, वाघनख का बहुत बड़ा योगदान है, हम वो कह सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, शान की बात है। और मैं निवेदन करता हूँ सभी विदर्भवासियों को कि इतनी बड़ा मौका मिल रहा है तो सबने जाके उसके दर्शन लेना चाहिए, ऐसा मयूर भोसले राजघराने की ओर से, नागपुर की ओर से निवेदन करता हूँ कि ये भाग्य मिल रहा है, इसका फायदा जरूर सब लें।